शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के पुलिस थाना अंतर्गत कुख्यात आरोपी बबलू उर्फ डांगा राजाराम मोहनिया उम्र 32 वर्ष, उसी का साथ ही अभय धनराज देशपांडे उम्र 34 वर्ष, दोनों आरोपियों को पुलिस ने जाल बिछाकर कड़ी मशक्कत कर फिल्मी अंदाज में धर दबोचा है। शनिवार को तहसील पुलिस द्वारा 29 से अधिक डकैती के मामले में लिप्त दो आरोपियों को जाल बिछाकर कड़ी मशक्कत कर गिरफ्तार किया है। इतवारी स्थित स्वयं प्रसाद जगदेव प्रसाद गुप्ता इनके जगदीश ट्रेडिंग कंपनी दुकान का ताला तोड़कर रोक रकम रुपए चांदी के सिक्के ऐसा कुल मिलाकर 53,500 रुपयों का मुद्देमाल चोरों ने चोरी किया था, जिसकी शिकायत फिरियादी ने तहसील पुलिस में की। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की खोज कर रही थी। उसी समय पुलिस को मिली गुप्त जानकारी कि आरोपी मच्छी मार्केट परिसर में देखा गया। उसी आधार पर जाल बिछाकर तहसील पुलिस ने वेशभूषा बदलकर फिल्म स्टाइल में आरोपियों को धर दबोचा है। ये 2020 में पुलिस स्टेशन तहसील में कम से कम 4-5 घरफोड़ी के गुने दाखिल हुए और पिछले हफ्ते में 2 और 3 तारीख के बीच में इतवारी शहीद पुलिस चौकी के पास जगदेश ट्रेडिंग कंपनी का दुकान है और रात को फोड़ के वहाँ से 53,500 रुपये का कुछ कैश लेके गए थे। फिरियादी स्वयं प्रसाद जगदेव प्रसाद गुप्ता इनकी रिपोर्ट से कलम 300 FIR नंबर 307/20 कलम 457 380 के मामला दर्ज किए थे और विगत कुछ दिनों में घरपोड़ी के प्रमाण बढ़े थे, इसलिए ये सब घरपोड़ी के हमने अभ्यास किया, स्टडी किया और हमारे नेतृत्व में PI सागर, PSI वाघ और डीबी स्क्वाड के ASI दुबे, पुलिस कांस्टेबल अनिल चतुर्वेदी इनको मार्गदर्शन करके इन्होंने एक सर्वे किया तो कल रात को हमको एक शंकास्पद आरोपी हमारे पथक को मिला, जिसको पूछताछ करने के बाद उसने अपना नाम बबलू उर्फ डांगा राजाराम मोहनिया उम्र 32 साल ग्राम बिसापुर तालुका मुखेड़ जिला सिंदवाड़ा ऐसा बताया। उसको जब हिरासत में लिए तो जो 2 तारीख को रात को जो घटना घड़ी थी घरफोड़ी की, उसमें जो कैश गई थी और पेटी गई थी तो वो पेटी उसके पास से ताबे में मिली और उसको जब पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि गुनाह कबूल किया और उन्होंने बताया कि यह सब गुन्हे उन्होंने अभय धनराज देशपांडे, ये छात्र घरफोड़ी का गुन्हेगार है, भस्मापुर झोपड़पट्टी जयपटका में रहने वाला है, इसका नाम बताया। अभय धनराज देशपांडे के ऊपर नागपुर शहर के लगभग सभी पुलिस स्टेशन में घरफोड़ी के गुन्हे दाखिल है। करीब 2008 से वो घरफोड़ के गुन्ने कर रहा है और 29 गुन्ने उसके ऊपर फिलहाल दाखिल है और ये छातिर बदमाश है। तो फिर हमारे मार्गदर्शन में हमारे पथक ने थोड़ा फिल्म स्टार से उसको दबोच लिया और हमको अभी वो ताबे में मिला है। उसने हमारे तहसील थाने के फरवरी महीने में एक अपराध नंबर 65/2020 कलम 454 457 380 भादे दर्ज हुआ था। अभी पिछले महीने में एक अपराध नंबर 293/2020 कलम 454 457 380 दर्ज हुआ था, वो दोनों गुन्ने कबूल किए हैं। फिलहाल उनके हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसने तहसील के 3 गुन्ने कबूल किए हैं, अभी उसको हमने अरेस्ट किए हैं और हमें आशा है कि PCR में बाकी सब गुन्ने उनसे कबूल करवाएंगे और जो गुन्ने में फिलहाल 12,000 रुपये जब्त किए हैं बाकी का भी मुद्देमाल उनसे रिकॉर्ड करेंगे। आरोपियों से पुलिस ने नगद 11,200 रुपए, एक लोखंडी गोदरेज कंपनी की पेटी कीमत 500 रुपए, एक लाल रंग की लेडीज रेंजर साइकिल कुल मिलाकर 1,000 रुपए, ऐसे दोनों आरोपियों की ओर से कुल मिलाकर 12,700 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। साथ ही 3 डकैतियों के मामले भी आरोपियों द्वारा सामने आए हैं। 3 गुनाह में चोरी हुए मुद्देमाल आरोपियों से जब्त किए गए हैं, ऐसी जानकारी तहसील पुलिस द्वारा दी गई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख, रिपोर्ट इनबीसीएन न्यूज नागपुर।